आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का मैप वर्क। ये जो मैप है वर्ल्ड और इंडिया दोनों के ही होंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, यानी कि हर एक कॉन्टिनेंट की सबसे लार्जेस्ट कंट्री। तो फर्स्ट हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो नॉर्थ अमेरिका की जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है कैनेडा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं साउथ अमेरिका के ऊपर। तो साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है ब्राज़ील, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अफ्रीका के ऊपर। तो अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है अल्जीरिया, ये रही अल्जीरिया। उसके बाद में हम लोग चलते हैं यूरोप के ऊपर। तो यूरोप की जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वो है रशिया फेडरेशन। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं एशिया के ऊपर। तो एशिया की जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वो है चाइना, यहाँ पे आप लोग देख सकती हैं। तो ये थी हमारी लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ईच कॉन्टिनेंट। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं ताकि बाद में आपको काम आएगा। सेकेंड मैप है हमारे पास एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, यानी कि सबसिस्टेंस गैदरिंग की जो जगह है वो हम वर्ल्ड के मैप के ऊपर करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कैनेडा, यानी कि ये जो नॉर्दर्न पार्ट है कैनेडा का, यहाँ पे जो सबसिस्टेंस गैदरिंग है वो होती है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं साउथ अमेरिका पे। तो जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे जो होती है सबसिस्टेंस गैदरिंग वो अमेज़न बेसिन के अंदर होती है, एज़ यू कैन सी हेयर। उसके बाद में हम लोग चलते हैं अफ्रीका के ऊपर। तो अफ्रीका में जो सबसिस्टेंस गैदरिंग है वो होती है ट्रॉपिकल अफ्रीका में, जो कि ये मिडल पार्ट है अफ्रीका का। उसके बाद में हम लोग चलते हैं यूरोप पे। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है यूरेशिया का, यूरोप नहीं सॉरी रशिया है यहाँ पे। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है यूरेशिया, यानी कि जो यूरोप और एशिया का दोनों ही जो मिक्सअप पार्ट होते हैं उसको हम क्या है यूरेशिया बोलते हैं। तो ये जो नॉर्थ पार्ट दिख रहा है आपको यूरेशिया का, वहाँ पे क्या है सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है। और उसके बाद में हम लोग चले एशिया के ऊपर। तो यहाँ पे जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में होती है, जो कि कुछ इंडिया का पार्ट भी कवर कर रहा है और चाइना का और कुछ अदर यहाँ पे प्लेसेस भी हैं। उसके बाद में अगर हम लोग आए ऑस्ट्रेलिया पे, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है वो होती है नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि नॉर्थ में है ऑस्ट्रेलिया की, एज़ यू कैन सी हेयर। तो ये जो थे वो हमारे कुछ एरियाज थे जहाँ पे क्या सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है। और जो आपको ये जो ग्रीन डॉट दिख रही है उसका मतलब है हाई लैटिट्यूड जोन, और जो ऑरेंज डॉट है इसका मतलब है लो लैटिट्यूड जोन। तो इस मैप में हम लोग करने वाले हैं एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, यानी कि नोमैडिक हर्डिंग के कुछ एरियाज। तो फर्स्ट है हमारे पास कोर रीजन फ्रॉम अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका टू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे ये जो नॉर्थ अफ्रीका से लेके फिर ये जो बीच में आपको मंगोलिया दिख रहा है, यहाँ से लेके और ये फिर क्या है सेंट्रल चाइना तक जाता है। तो ये हमारे पास क्या है फर्स्ट रीज़न है नोमैडिक हर्डिंग का। उसके बाद में हम लोग चलते हैं टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, यानी कि अब जो ये यूरेशिया है उसका यहाँ पर टुंड्रा रीजन आ जाता है। यहाँ पर आप लोग इसका टुंड्रा रीजन देख सकते हैं, ये जो कि पर्पल कलर के अंदर है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं साउथ अफ्रीका पे। तो साउथ वेस्ट अफ्रीका के अंदर जो है हमारी नोमैडिक हर्डिंग होती है। तो ये यहाँ पे जो येलो कलर आपको दिख रहा है ये है साउथ वेस्ट अफ्रीका का पार्ट, जहाँ पे क्या है नॉर्थ सॉरी नोमैडिक हर्डिंग होती है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं वेस्टर्न मग्दा सागर के ऊपर। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रहा हमारा वेस्टर्न मग्दा सागर। तो यहाँ पे भी क्या है नोमैडिक हर्डिंग होती है। तो ये आप पूरा मैप देख सकती हैं नोमैडिक हर्डिंग का, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं क्योंकि ये आपको बाद में बहुत काम आने वाला है। इस मैप में हम लोग करने वाले हैं एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, तो वो एरियाज़ हम इस मैप में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है अमेरिकन पिरारीज।
तो ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये है अमेरिकन पिरारीज। उसके बाद में अगर हम लोग साउथ अफ्रीका पे चलें, सॉरी साउथ अमेरिका पे चलें, तो यहाँ पे जो आता है हमारे पास पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, यहाँ पे जो ये आप ग्रीन कलर का देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास अफ्रीका के अंदर आता है साउथ पार्ट में वेल्स ऑफ अफ्रीका। उसके बाद में हमारे पास आता है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे पास है कैंटबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड और डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये रहा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और जो कैंटबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड है वो ये यहाँ पे एरो का निशान है, यहाँ पे आप लोग देख सकती हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें यूरेशिया की, यानी कि कुछ पार्ट एशिया का और कुछ पार्ट यूरोप का, तो यहाँ पे जो है वो है स्टेपस, और ये स्टेपस आप लोग देख ही सकते हैं ग्रीन कलर के अंदर, यूरेशियन स्टेपस। तो ये जो थे हमारे कुछ एरियाज थे एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की, और ये यहाँ पे आप पूरा मैप देख सकती हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। इस मैप में हम लोग करने वाले हैं एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, तो वो एरियाज हम इस मैप में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है अमेरिकन पिरारीज। तो ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये है अमेरिकन पिरारीज। उसके बाद में अगर हम लोग साउथ अफ्रीका पे चलें, सॉरी साउथ अमेरिका पे चलें, तो यहाँ पे जो आता है हमारे पास पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, यहाँ पे जो ये आप ग्रीन कलर का देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास अफ्रीका के अंदर आता है साउथ पार्ट में वेल्स ऑफ अफ्रीका। उसके बाद में हमारे पास आता है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे पास है कैंटबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड और डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये रहा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और जो कैंटबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड है वो ये यहाँ पे एरो का निशान है, यहाँ पे आप लोग देख सकती हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें यूरेशिया की, यानी कि कुछ पार्ट एशिया का और कुछ पार्ट यूरोप का, तो यहाँ पे जो है वो है स्टेपस, और ये स्टेपस आप लोग देख ही सकते हैं ग्रीन कलर के अंदर, यूरेशियन स्टेपस। तो ये जो थे हमारे कुछ एरियाज थे एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की, और ये यहाँ पे आप पूरा मैप देख सकती हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। इस मैप के अंदर हम लोग करने वाले हैं एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज। तो फर्स्ट हमारे पास आता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद में हम साउथ अमेरिका पे चलते हैं, तो ये साउथ अमेरिका के अंदर है पैम्पस एंड कैम्पस, ये जो दो प्लेसेस हैं साउथ अमेरिका के अंदर मिक्स्ड फार्मिंग के। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं यूरोप में, तो यूरोप का आप ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है मिक्स्ड फार्मिंग होती है। और उसके बाद में हम यूरेशिया के ऊपर चलें, तो ये जो आप येलो कलर की जो लंबी सी लाइन दिख रही है, ये है यूरेशिया का पार्ट, जहाँ पे क्या है मिक्स्ड फार्मिंग होती। इस मैप में हम लोग कुछ मेगा सिटीज करने वाले हैं वर्ल्ड की। तो हमारे पास सबसे पहले साउथ अमेरिका के अंदर है साओ पोलो, ये जो है साउथ अमेरिका की मेगा सिटी है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं एशिया के ऊपर, तो एशिया में सबसे पहले जो इंडिया में है मुंबई, उसके बाद में दूसरी ही मेगा सिटी है दिल्ली, और उसके बाद में चाइना के अंदर है शंघाई, और जापान के अंदर है टोक्यो। तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट मेगा सिटीज थी वर्ल्ड की। तो अब हम लोग कुछ इंडिया के मैप करने वाले हैं। तो इंडिया के अंदर स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि ऐसा स्टेट जिसके अंदर क्या है सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि शहरी पॉपुलेशन रहती है, और इसका आंसर होगा यहाँ पे आप ग्रीन ये जो कलर है यहाँ पे देख सकते हैं गोवा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन रहती है। उसके बाद में अगर हम बात करें सबसे कम जो अर्बन पॉपुलेशन है वो हिमाचल के अंदर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, तो सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और सबसे कम रूरल पॉपुलेशन गोवा के अंदर है।
तो इस मैप में हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट HDI लेवल किसका है और सबसे कम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका है इंडिया के अंदर। तो जो सबसे ज़्यादा जिस स्टेट के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ HDI है वो है केरला, यहाँ पे आप इस ग्रीन कलर में देख सकते हैं। और सबसे कम जो HDI है वो है छत्तीसगढ़ का, तो इस ग्रीन जो ये येलो कलर है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो थे हमारे दो स्टेट से हाईएस्ट और लोएस्ट HDI की। इस मैप में हम लोग करने वाले हैं लेवल ऑफ डेंसिटी, यानी कि किसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी और किसकी सबसे कम है। जो सबसे ज़्यादा जिस स्टेट की डेंसिटी है वो है बिहार, जो कि आप यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर देख सकते हैं। और जो सबसे कम डेंसिटी जिस स्टेट की है वो है अरुणाचल प्रदेश, ये भी आप इस येलो कलर के अंदर देख सकती हैं। इस मैप के अंदर हम लोग करने वाले हैं ऐसी सिटीज़ जिनकी जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 10 मिलियन है, यानी कि हम लोग यहाँ पे मेगा सिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास मुंबई, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद में आती है हमारे पास दिल्ली, जो कि एक मेगा सिटी है। उसके बाद में हमारे पास आती है कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल की मेगा सिटी है। वैसे तो ये सारी जो है इंडिया की है, मैं आपको स्टेट वाइज भी बता रही हूँ। और उसके बाद में हमारे पास आता है तमिलनाडु, उसकी जो मेगा सिटी है वो है चेन्नई। उसके बाद में कर्नाटका की जो मेगा सिटी है वो है मुंबई। तो ये हमारी इंडिया की कुछ मेगा सिटीज़ हैं।